आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। पाठ का नाम है औद्योगिक क्रांति यानी कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसका थर्ड पार्ट हम लेकर आए हैं। तो टॉपिक जो इसमें चूज किया गया है वो है नहरें और रेलें। तो इसका विस्तृत अध्ययन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और इसे सचित्र और सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम बात करते हैं भाप की शक्ति की यानी कि पावर ऑफ स्टीम की। तो जेम्स वाट द्वारा भाप की शक्ति से परिचित करवाने से औद्योगिकीकरण को एक नई गति मिली थी। आप जैसा कि जानते हैं कि जेम्स वाट ने बचपन में केतली में उबलते हुए पानी को देखा कि वो किस प्रकार उसके ढक्कन को उछाल देता है, तो उसने इस भाप की शक्ति का उपयोग करने की सोची। तो इसी क्रम में जो है उसने ये सोचा कि जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि भाप बनने से ये पहिया जो है जो विपरीत दिशाओं में भाप बाहर निकल रही है घूमने लग जाता है, तो जेम्स वाट ने इसी के आधार पर एक इंजन का निर्माण कराया। इस चित्र की मदद से आप जो है इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये इंजन काम करता है। बहुत ही सरल विधि है। भाप की खोज से पहले जल शक्ति का प्रयोग जो है वो सदियों से किया जाता था, यानी कि पंचक्कियों की मदद से जो जल चक्कियां होती थी उनकी मदद से मशीनों को चलाया जाता था और विभिन्न प्रकार के काम जो है उससे किए जाते थे। लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन थी, एक सीमाएं थी जल शक्ति की कि उन्हें हर जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता था, कुछ विशेष स्थानों पर ही उनको प्रयुक्त किया जा सकता था, क्योंकि पानी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है और उसमें प्रवाह हो, उसमें तेजी हो, ये भी होना जरूरी होता है जल चक्की का प्रयोग करने के लिए। तो मौसम पर भी इसकी निर्भरता होती है, क्योंकि हर समय जो है नदियों नहरों में पानी ज़्यादा नहीं होता है, उनका बहाव भी तेज हो ये जरूरी नहीं होता है। तो मौसम पर निर्भरता के कारण इसकी जो उपयोगिता है वो वर्ष भर नहीं रहती है। जल प्रवाह की गति के अनुसार भी ये कार्य करता है। अगर गति अधिक होगी तो इसका उपयोग अच्छे से किया जाएगा, अगर प्रवाह कम होगा या गति कम होगी और या बिल्कुल नहीं होगी तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। 1698 में एक अंग्रेजी सैन्य इंजीनियर यानी कि सेना के एक इंजीनियर और आविष्कारक थॉमस सेवरी द्वारा इसका आविष्कार किया गया और उन्होंने फिर इसको पेटेंट भी कराया। तो थॉमस सेवरी कोयला खानों से पानी निकालने की समस्या को हल करने पर काम कर रहे थे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो उन्होंने माइनर्स फ्रेंड का मतलब माइंस यानी कि खानों में काम करने वालों का मित्र, ये उन्होंने बनाया था। तो इसका जो फ़ायदा था वो कोयले की खानों में से जो पानी भर जाता है, क्योंकि गहराई पर जैसा कि हम जानते हैं बोरवेल करते हैं, कुआं खोदते हैं, बोरिंग करते हैं, तो कुछ गहराई पर जाने के बाद पानी निकलता है या बारिशों का पानी भी उनमें एकत्र हो जाता है। तो उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1698 में। उनकी मशीन में पानी से भरा एक थक्का होता है जिसमें दबाव के तहत स्टीम पेश की जाती है, यानी कि दबाव वो स्टीम जो भाप जो है वो वहाँ, इसने पानी को खदान से ऊपर और बाहर जाने को मजबूर कर दिया। तब स्टीम को संघनित करने के लिए ठंडे पानी का छिड़काव का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो मशीन होती थी उसके अंदर पानी को भेजा जाता था और उसको उबाला जाता था, गर्म किया जाता था और स्टीम बनती थी, भाप बनती थी और उससे पानी को खदान के ऊपर की तरफ जाने को, जैसा कि आप जानते हैं कि भाप जो है वो गर्म होके ऊपर चली जाती है, तो उसका भाप बनाकर जो है उसको बाहर निकाला। तो इसमें मशीन को जो है अंदर मशीन के अंदर बड़े बड़े टैंक, इसमें टैंकों के अंदर पानी को एकत्र किया जाता था और उनको भाप बनाया जाता था। तो भाप बनाने का कारण ये है कि आप जानते हैं कि जब भाप बनती है तो ऊपर की तरफ को चलती है, तो इस वजह से जो है पानी भाप के रूप में खानों से बाहर निकालने का कार्य किया जाता था और बाद में इस भाप को इकट्ठा करने के लिए उसके वो ठंडे पानी का छिड़काव करते हैं। वो इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ठंडी सतह पर पानी की वाष्प जो है वो जमा होकर पानी की बूंदों में फिर से बदल जाती है, तो इसीलिए
इसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव कर इसे दोबारा से पानी में बदल कर यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ये जो है माइनर्स फ्रेंड का कार्य प्रणाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि माइनर्स फ्रेंड का ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करता था। छिछली का मतलब है कम गहराई वाली जो जगहें होती थी वहीं पर ये कार्य करता था। ज़्यादा गहरी जगहों पर काम करने में सक्षम नहीं था क्योंकि पानी को भाप में बदलना इतना सहज कार्य नहीं है, इसमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और समय भी काफ़ी लगता है। तो अधिक दबाव होने पर इसका बॉयलर जो है वो फट भी जाता था, यानी कि अगर पानी अधिक निकालना हो और उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको वाष्पित करना पड़े तो कई बार जो है जैसे कि आप चित्र में एक फटे हुए बॉयलर को देख रहे हैं, तो इस तरह से ये बॉयलर जहाँ पानी को भाप में बदला जाता था वो अधिक दबाव होने पर फट जाता था। थॉमस न्यूकोमैन ने 1712 में एक और उन्नत किस्म का इंजन बनाया, जो थॉमस न्यूकोमैन ने और ये उनके द्वारा बनाया गया इंजन है। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी को किस प्रकार से बिना संघनित किए बाहर निकाला जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन जो है यानी कि कंडेंसिंग सिलेंडर है उसको लगातार होते रहने से उसकी ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाती थी, यानी कि लगातार ठंडा उसको किया जाता था ताकि वो बॉयलर फट ना जाए, तो इसी क्रम में उसकी ऊर्जा कम हो जाती थी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक था, इसीलिए ऊर्जा को बढ़ाने के लिए काफ़ी कोयला खर्च करना पड़ता था। यहाँ चित्र में हम जेम्स वाट द्वारा बनाए गए प्राइम मूवर नाम के भाप के इंजन को देख रहे हैं। यह एक साधारण पंप नहीं था जो पानी को सिर्फ बाहर निकाल सकता था, बल्कि इसके और भी प्रयोग थे। तो इसका प्रयोग कोयले की खानों के साथ साथ कारखानों में शक्तिशाली मशीनों को चलाने के काम में लिया जाता था। जेम्स वाट एक धनी निर्माता मैथ्यू वाल्टन की सहायता से सोही फाउंड्री का निर्माण किया। यहाँ चित्र में आप जिस व्यक्तित्व को देख रहे हैं मैथ्यू वाल्टन थे, इनकी सहायता से जेम्स वाट ने सोहो फाउंड्री का निर्माण किया जिसमें बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इंजन बनाए जाने लगे। क्योंकि जेम्स वाट का ये इंजन लोगों को उस समय बहुत पसंद आया, इसने पुराने सभी मॉडलों के कमियों को काफ़ी हद तक दूर किया। तो इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जेम्स वाट को एक मैन्युफैक्चरर एक इन्वेस्टर मैथ्यू वाल्टन की ज़रूरत पड़ी, तो इनकी मदद से उन्होंने सोहो फाउंड्री का निर्माण किया था ताकि इंजनों की बढ़ती मांग को जो समय रहते पूरा किया जा सके। भाप की शक्ति को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें जो सुधार किए गए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य किया गया वो ये था कि भारी धातुओं के बजाय हल्की और मजबूत धातुओं का प्रयोग किया जाने लगा। हल्की धातुओं का प्रयोग करने से उनके जो वजन है वो कम हो गया और वो मजबूत भी धातुएं होती थी तो आसानी से बॉयलर जो है वो फटते नहीं थे। और दूसरा जो ये है कि अधिक स्टीक मशीनी औजारों का निर्माण होने लगा, यानी कि इसकी इनकी देखभाल के लिए जो औजार बनाए जाते थे वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ बनाए जाते थे ताकि उनका अच्छे से उपयोग किया जा सके। और वैज्ञानिक जानकारी का व्यापक प्रसार किया गया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नए खोजें हो रही थी नई जानकारी थी उनको उसमें डेवलप करके उनको अच्छे से सुधारा गया ताकि भाप की शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करके उसकी मशीनों की उपयोगिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इन सब सुधारों का ये परिणाम हुआ कि ब्रिटेन द्वारा संपूर्ण यूरोप को 70% इंजनों की आवश्यकता की पूर्ति की जाने लगी, यानी कि पूरे यूरोपीय देशों में जितने इंजनों की आवश्यकता हो रही थी उसका 70% आपूर्ति ब्रिटेन द्वारा की जाने लगी। अब हम नहरों की बात करते हैं। तो नहरें जो हैं वो औद्योगिकीकरण के लिए बहुत आवश्यक अंग था परिवहन का, क्योंकि जल परिवहन जो है वो सबसे सस्ता और सुलभ साधन था।
नहरें बनाने के कारणों पर हम बात करते हैं तो कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए, क्योंकि कोयला ऊर्जा का एकमात्र स्रोत उस समय था जो व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा था। अन्य भी तरीके काम में लिए जाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो कोयला का किया जाता था। तो शहरों तक इसको ले जाने की वजह ये थी कि औद्योगिकीकरण के लिए जो है आवश्यकता थी ऊर्जा की, और वो ऊर्जा जो है कोयले द्वारा ही पूरी की जाती थी। और दूसरा कारण ये था कि घरों को गर्म और रोशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण यूरोप जो है वो काफ़ी ठंडा इलाका है, तो इसीलिए उत्तरी ध्रुव के नज़दीक होने की वजह से यहाँ ठंड काफ़ी पड़ती है। इसीलिए घरों को गर्म करने के लिए और उनमें रोशनी करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता था। सड़क मार्ग से ढुलाई में यह सस्ता पड़ता था। सड़कें बनाना और उनके ऊपर परिवहन के साधन बनाना ये काफ़ी दुष्कर कार्य था और वो बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए जल मार्ग से यानी कि नहरों के माध्यम से परिवहन काफ़ी सस्ता पड़ता था। 1761 में इंग्लैंड की पहली नहर जो है वो जेम्स ब्रैडली ने बनाई थी, तो इसका चित्र जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ जो है ये जेम्स ब्रैडली हैं जिन्होंने इसको बनाया था। नहरों का निर्माण जमींदारों ने क्यों करवाया, उसके कारणों की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके पास बहुत अधिक ज़मीनें होती थी, तो उन ज़मीनों पर अगर खाने खदाने या और जंगल जो होते थे उनका मूल्य बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। मूल्य का मतलब ये है कि अगर इनसे जो उत्पाद पैदा हो रहे थे खानों खदानों और जंगलों से, उन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना एक आवश्यक कार्य था। तो इस अगर परिवहन अच्छा होगा तो विक्रय का कार्य भी सुगमता से किया जा सकेगा। इसीलिए इनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है अगर ये सस्ते और सुलभ हो जाएं। तो यहाँ देख रहे हैं आप खानों को, और ये जो है खदानें होती हैं जो खोद कर चीज़ें पत्थर वगैरह निकाले जाते हैं, या और अन्य चीज़ें जो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते उनको खदान कहते हैं। और जंगलों से विभिन्न उत्पाद लकड़ी और फल और अन्य चीज़ें जो मिलती हैं, तो इन सबको शहरों तक फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का कार्य करना के लिए कार्य के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। क्योंकि जिस जगह परिवहन की सुविधा सुलभ होगी वहीं से माल ज़्यादा मंगाया जाता है। बर्मिंघम शहर के विकास के कारणों पर विचार करते हैं तो ये शहर जो है लंदन, ब्रिस्टल चैनल और हर्बर नदियों को जोड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य स्थित था। जैसा कि आप ये ब्रिटेन के नक्शे में देख रहे हैं, ये बर्मिंघम शहर है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नहरों के बीच में स्थित है, और नदियों के नहरें थीं और नदियाँ थीं। शहर जो है लंदन, और लंदन शहर में ब्रिस्टल चैनल और हर्बर नदियों को जोड़ने वाली ये जो नहर प्रणाली यानी कि कैनल सिस्टम आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये स्थित था। तो उसकी वजह से परिवहन की सुविधा बढ़ गई थी, इस वजह से इस शहर का विकास तेज़ी से हुआ। यहाँ औद्योगिकीकरण जो है बहुत तेज़ी से हुआ और यहाँ की आबादी भी बहुत शीघ्रता से बढ़ गई। अब नहर उन्माद की बात करते हैं। एक ऐसा समय था कि लोगों में नहरें खोदने की होड़ लग गई थी, और सारा ब्रिटेन जो है वो जो को सारे ब्रिटेन में ये कोशिशें होने लगी कि नहरें बनाई जाएं। नहरों में इन्वेस्टमेंट लाभप्रद चीज मानी जाने लगी। 1760 से 1790 के बीच नहरों की 25 परियोजनाएं यानी कि 25 प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए गए थे। सन 1788 से 1796 तक की अवधि में 46 नई परियोजनाएं यानी कि 46 नए प्रोजेक्ट वो हाथ में लिए गए यानी कि शुरू किए गए। इसको ये जो सारा हुआ ये तेजी से इतनी जैसे 30 सालों में 25 परियोजनाएं, और फिर जो है मात्र 8 सालों में 46 जो नई परियोजनाएं हाथ में ली गई उसको नहरोन्माद यानी कि कैनल मीनिया कहा जाता है। अगले 60 वर्षों में अनेकानेक नहरें बनाई गई जिनकी कुल लंबाई 4000 मील से भी
अधिक थी। अब रेलों की बात करते हैं तो रिचर्ड ट्रेवेथिक, जिनका जीवन काल 13 अप्रैल 1771 से 22 अप्रैल 1833 है, तो ये कॉर्नवाल के एक ब्रिटिश आविष्कारक थे, यानी के इन्वेंटर थे, और खनन इंजीनियर थे, यानी के माइनिंग इंजीनियर थे। तो इन्होंने पहले उच्च दाब पर काम करने वाले भाप के इंजन यानी के स्टीम लोकोमोटिव का विकास किया था। तो दुनिया की पहली रेल यात्रा 21 फरवरी 1804 को हुई, जब ट्रेवेथिक की अनाम यानी के बिना नाम वाले स्टीम लोकोमोटिव ने वेल्स के मैरथियन टाइडफिल में पेनिडरेन आयरन वर्क्स के ट्रॉम्बे के किनारे एक ट्रेन को खींचा था। तो ये जो है उनके द्वारा बनाया गया रेल इंजन है जो रिचर्ड ट्रेवेथिक ने बनाया था। 21 अप्रैल 1804 को इसने अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। 1814 में जॉर्ज स्टीवेंसन ने भाप चलित रेल इंजन बल्चर को बनाया। तो ये पहला इंजन था जो ज़्यादा उपयोगी था और दोनों कामों में, यानी कि यात्रियों को ढोने और माल ढोने दोनों में काम में आता था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इंजन के पीछे यात्री डिब्बे लगाए जाएं तो यात्रियों को ढो सकता है, और अगर इसके पीछे वैगन्स लगा दी जाएं तो ये माल को ढोता है। तो रेलगाड़ियाँ जो हैं वो परिवहन का नया साधन बन गई थी और जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी। इन जबकि हमने नहरों के बारे में पढ़ा है कि नहरें जो हैं वो साल भर नहीं उपयोगी होती थी, क्योंकि वर्षा पर भी उनको निर्भर होना पड़ता था और साथ ही साथ सर्दी पड़ने पर वो जो है बर्फ में तब्दील हो जाती थी, तो उनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता था। जबकि ट्रेनें जो हैं, रेलगाड़ियां थी, वो वर्ष भर उपयोग में लाई जा सकती थी क्योंकि इनके ऊपर मौसम का अधिक प्रभाव नहीं होता था। ये रेलगाड़ियां सस्ती भी पड़ती थी और तेज गति से माल और यात्रियों को दोनों को ढो सकती थी, क्योंकि इनकी रफ्तार जो है वो नावों के स्टीमरों से ज़्यादा होती थी। इनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए लकड़ी की पटरी के स्थान पर लोहे की पटरियां बिछाई जाने लगी और भाप के इंजन द्वारा इन पटरियों पर खिंचाई होने लगी। तो इस प्रकार जेम्स स्टीवेंसन ने पहला भाप से चलने वाला इंजन जो वल्चर बनाया था वो बहुआयामी साबित हुआ और इस औद्योगिकीकरण को और अधिक गति मिली। 1829 में जॉर्ज स्टीवेंसन के पुत्र रॉबर्ट स्टीवेंसन ने भाप चलित रेल इंजन रॉकेट बनाया था। ये जॉर्ज स्टीवेंसन के पुत्र हैं रॉबर्ट स्टीवेंसन। इन्होंने 1829 में अपने पिता के साथ मिलकर एक, यहाँ आप देख रहे हैं पिता पुत्र को अपने इंजन के साथ, तो इन्होंने उसमें अंदर जॉर्ज स्टीवेंसन और रॉबर्ट स्टीवेंसन ने मिलकर एक भाप इंजन का आविष्कार किया जिसका नाम उन्होंने रॉकेट रखा था। 1829 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया। तो यह 12 मील प्रति घंटे यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दौड़ सकता था और इसकी उच्चतम गति थी यानी कि हाईएस्ट स्पीड जो थी वो 29 मील प्रति घंटा 29 माइल पर आवर थी, जिसे आप किलोमीटरों में समझें तो 47 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से ये दौड़ सकता था। यह इंजन 30 टन भार लेकर 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी पर चढ़ सकता था, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। तब भी ये इंजन जो है 30 टन भार को 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ढो सकता था, जबकि मैदानी इलाकों में हम देख रहे हैं कि इसकी गति जो है वो 29 मील प्रति घंटा होती थी, लेकिन पहाड़ों पर ये 4 मील प्रति घंटा की रफ्तार से इतना अधिक वजन, 30 टन वजन लेकर चल सकता था, यानी कि काफ़ी ताकतवर इंजन था। 1825 में स्कॉटन और डॉलिंगटन शहरों के बीच में, जैसा कि आप ये देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर स्टॉकटन और डॉलिंगटन दो शहर दिखाए गए हैं, तो इनके बीच की दूरी 9 मील थी, तो इसको रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया। तो ये तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी कि 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो है इसको 2 घंटे में तय किया गया था उस टाइम टेस्टिंग के दौरान।
1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को, ये लिवरपूल है और ये मैनचेस्टर है, इनको आपस में जोड़ा गया रेल मार्ग के द्वारा। 20 वर्षों के भीतर रेल द्वारा 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार जो है एक कॉमन यानी के सामान्य बात हो गई थी। नहर मार्गों की कुछ अपनी सीमाएं थी, लिमिटेशन थी इनकी, और वो ये थी कि 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन जलपोतों की भीड़ के कारण धीमा हो गया था। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि नहरों के अंदर काफ़ी मात्रा में आप जलपोत देख रहे हैं, तो इस वजह से जो है भीड़ बढ़ने की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन सड़कों पर भीड़ अधिक होती है वहाँ पर ट्रैफिक की गति जो है काफ़ी कम हो जाती है, तो नहरों में भी ज़्यादा जलपोत आ जाने के कारण, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण कच्चे माल और तैयार माल को ढोने के लिए और यात्रियों को ढोने के लिए बहुत सारे जलपोत भी उन नहरों में चल रहे थे, तो इससे उनकी स्पीड जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। और पाले बाढ़ और सूखे के कारण भी इन्हें सीमित समय में ही उपयोग किया जाता था। जब पाला पड़ता था, धुंध पड़ती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था, तो नावें आपस में टकरा ना जाएं इसलिए उनका उपयोग कम हो जाता था या बहुत ना के बराबर होता था। बाढ़ आने पर या सूखे की स्थिति में जब पानी ख़त्म हो जाता था तो इनका उपयोग करना मुश्किल हो जाता था। तो रेल मार्गों के सुविधाजनक होने का परिणाम क्या हुआ? तो 1830 से 1850 के बीच रेल पथ यानी के रेलवे ट्रैक जो है वो 6000 मील लंबा हो गया था। ये सारा कार्य जो है ये दो चरणों में पूर्ण हुआ। पहला चरण ये था 1833 से 1837 का छोटा रेल अनुवाद, जिसके दौरान 1400 मील यानी के 1400 मील लंबी रेल लाइन बनाई गई थी। 6000 मील में से 1400 मील जो है छोटे रेल अनुवाद के दौरान 1833 से 1837 में बनाई गई थी। 1844 से 1847 के बड़े रेल उन्माद के दौरान 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाई गई थी। तो 1850 तक अधिकांश इंग्लैंड जो है वो रेल मार्गों से जुड़ गया था। तो इस तरह से पूरे इंग्लैंड के अंदर रेलवे का जाल बिछा दिया गया और ये परिवहन का मुख्य स्रोत बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और इसी प्रकार के बहुत से उपयोगी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं रेड बटन को दबाकर, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।